हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल RMC बिजनेस प्लान इंडिया में। तो फ्रेंड्स, यह हमारा टेक्निकल चैनल है और यहाँ पे हम टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम कंक्रीट की किस तरह से टेस्ट किया जाता है, कंक्रीट में कौन सा टेस्ट होता है, क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ता है, एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको टेस्टिंग करना पड़ता है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना है साइट में, यह सब चीज़ों के बारे में इस चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी हम कोई ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम आपको बताने वाले हैं स्लम किस तरह से टेस्ट किया जाता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे टेम्परेचर किस तरह से टेस्ट किया जाता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए कंक्रीट का ये हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कंक्रीट की जो क्यूब है वो किस तरह से कास्ट किया जाता है। तो सबसे पहला आज हम आपको बताएंगे एज पर IS 11199 के हिसाब से स्लम को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस कैसा है, ये सब चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंक्रीट को जैसे कि आपने देखा है प्रॉपर तरीके से मिक्स करके ले लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्कूप की मदद से स्लम को फिल करना है, ठीक है। स्लम कोन को सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 लेयर में फिल करना है उसको, और हर एक लेयर को 35 टाइम्स करके टैम्पिंग करना है। सेम प्रोसेस है, न्यू रिवीजन आने के बाद वो ये जो प्रोसेस है जैसे हम क्यूब कास्ट करते हैं वैसे स्लम को भी करना पड़ता है। इससे पहले हम क्या करते थे, 4 लेयर में कास्ट करते थे, उसके बाद 25 टाइम्स उसको टैम्पिंग करते थे, बट अभी ऐसा नहीं रहा है, अभी हमें 3 लेयर में कास्ट करना पड़ता है और हर एक लेयर को 35 टाइम्स करके टैम्पिंग करना पड़ता है। फाइनल लेयर तक टैम्पिंग करेंगे, टैम्पिंग करने के बाद जैसे हर एक लेयर को जब टैम्पिंग करेंगे, फर्स्ट लेयर हमारा टैम्पिंग होने के बाद जो सेकंड लेयर हम टैम्पिंग करेंगे, हमारा फर्स्ट लेयर की सेंटर तक सेकंड लेयर का टैम्पिंग रॉड पहुंचना चाहिए, ठीक उसी तरह से फाइनल लेयर जब हम यानी 3rd लेयर कास्ट करेंगे, फिल करेंगे, तो ठीक उसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर को कास्ट किया है। उसके बाद क्रॉप को आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देना है, आपको फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग करने के बाद साइड में जो कंक्रीट गिरा होगा उसको आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको लॉक को रिलीज करना है, उसके बाद धीरे धीरे स्लम कोन को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। तो कुछ इस तरह से आपको स्लम कोन को ऊपर की तरफ उठाना है, या आप देख सकते हो ये सब प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको बता दूँ स्लम जो है हमारा 3 टाइप का रहता है, एक हो गया हमारा ट्रू स्लम हो गया, उसके बाद शेयर स्लम हो गया और एक कोलैप्स स्लम हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया ये ट्रू स्लम पे हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंड को उठाना है या फिर आप स्लम कोन को भी उल्टा करके रख सकते हो, और उस यहाँ पे आप टैप का भी मदद ले सकते हो, हालांकि हम अभी टैम्पिंग रॉड ही लगा रहे हैं, आप देख सकते हो टैम्पिंग रॉड इस तरह से आपको लगाना है और जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा स्लम टेस्ट के बारे में, आपने स्लम टेस्ट देख लिया। अब हम आपको बताएंगे कि कंक्रीट की जो टेम्परेचर है वो किस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो कंक्रीट का थर्मोमीटर है वो आपको चालू कर लेना है, चालू करने के बाद उसको कंक्रीट के में कुछ इस तरह से डाल देना है। आपका कंक्रीट का जो टेम्परेचर 26.5 to 35 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है, 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंक्रीट का टेम्परेचर। तो कंक्रीट के अंदर कुछ इस तरह से डाल देना है, उसके बाद आपको वेट करना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना तक अप होता है या फिर कितना तक डाउन होता है, ठीक है। तो लास्ट में आपका जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग आपको ले लेना है। अभी आप देख सकते हो 31.30% हमारा आ चुका है टेम्परेचर। एंड थर्ड जो टेस्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं, वो है कॉन्क्रीट क्यूब के बारे में, कंक्रीट क्यूब किस तरह से कास्ट किया जाता है। इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो क्यूब मोड है उसको सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, उसका डायमेंशन चेक करेंगे। आप देख सकते हो ये जो साइट है कंक्रीट क्यूब है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए गैपेस, ठीक है। उसके बाद उसका डायगोनल भी प्रॉपर होना चाहिए आपका, ठीक है। यह सब चीज़ें हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम क्यूब मोड को ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, वॉइलिंग प्रोसेस चालू करेंगे। आपका वॉइलिंग प्रोसेस प्रॉपर तरीके से आपको करके लेना है, ताकि आपका जो कंक्रीट है वो
एक प्रॉपर शेप बन सके, ठीक है, क्यूब का। आपका अगर वायरिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि साइड में से आपका कंक्रीट जो है वो टूट सकता है, एजेस टूट सकता है उसका। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसको वायरिंग करना है। वायरिंग करने के बाद फिर एक बार हम क्या करेंगे, हमारा जो कंक्रीट है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। आपको ट्रे में निकल लेना है, ठीक है, आपको साइड में किसी गोली में नहीं निकलना है, पात्रा में नहीं निकलना है। ये सब क्यूब फेलियर का कारण होता है। क्यूब फेलियर का जो कारण है उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा क्यूब किस तरह से फेल होता है, क्या क्या कारण उसका होता है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो की प्रॉब्लम की वजह से आपका क्यूब फेल हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होने की वजह से आपका क्यूब फेल हो सकता है। उसके बाद प्रॉपर अनकस्टिंग की वजह से भी क्यूब फेल हो सकता है। तो ये सब जो प्रोसेस है हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। हालांकि अभी ये जो वीडियो है इसमें अभी हम आपको सिर्फ क्यूब कास्टिंग के बारे में बताएंगे। तो कुछ इस तरह से प्रॉपर मिक्स करने के बाद आपको फर्स्ट लेयर आपको भरना है, ठीक है। फर्स्ट लेयर भरने के बाद आपको सेम प्रोसेस जैसे हमने स्लम टेस्ट किया था 35 टाइम्स उसको टैंपिंग करना है, ठीक है। टैंपिंग करने के बाद ऐसे साइड में हम हल्का हल्का ये कर लेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है कि उसमें जो एयर बबल्स अंदर में जो बन जाता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेयर कास्ट करने के बाद सेकेंड लेयर को भी सेम प्रोसेस में कास्ट करेंगे। और फर्स्ट लेयर जो हमने कास्ट किया है, सेकेंड लेयर जब हम कास्ट करेंगे तो उसका उसमें जब टैंपिंग करेंगे तो टैंपिंग रोड सेम प्रोसेस में फर्स्ट लेयर की सेंटर तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। उस तरह से हम उसको भी टैंपिंग करेंगे और 35 टाइम्स हमें टैंपिंग करना है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा थोड़ा इस तरह से कॉम्पैक्ट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल लेयर हम कास्ट करेंगे। सेम उसी तरह से हम कास्ट करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर कास्ट किया है, ठीक उसी तरह से हमें थर्ड लेयर भी कास्ट करना है। प्रॉपर तरीके से उसको कास्ट करना है, उसके बाद फिर उसको हमें कॉम्पैक्ट भी करना है। प्रॉपर तरीके से 3-4 बार उसको कॉम्पैक्ट इसलिए करना है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें एयर बबल्स रहता है तो एयर बबल्स रिमूव हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से कॉम्पैक्ट कर लेना है। तो ये हो गया था हमारा प्रोसेस। आपने आपको बताया कि स्लम इस पर IS के हिसाब से कैसे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको टेम्परेचर कैसे चेक करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से क्यूब किस तरह से कास्ट करना है। आप उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा कि स्लम टेस्ट करना, उसके बाद टेम्परेचर चेक करना, उसके बाद क्यूब कास्ट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हमारी जो टेक्निकल वीडियो से वो देखने का मौका मिले। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।